तो पृथ्वी महाराज की जो पूजा है वो तो बड़ी विधि विधान से लंबी चौड़ी पूजा हो रही है। कह रहे हैं गुरु महाराज पूजा पूरी हो जाए पुष्पांजलि दे दो फिर वरदान मांग लूंगा, जल्दी क्या है, पूजा तो कर लेंगे शांति से, जल्दी कर ऐसा मत कर। पृथ्वी की पूजा जब पूरी हुई श्री पृथ्वी उस समय वरदान मांगते हुए बोले कि बरान विभोत वरदेश्वरा बुधा कथम प्रीते गुण विक्री आत्मनाम ये नारकाणाम अपसंत देह नाम तामीश कैवल्य पते वृणे नते। 20वें अध्याय का 23वां श्लोक के पृथ्वी कह रहे हैं बरान विभोत वरदेश्वरा हे वरदेश्वर मैं आपसे कैसे उन विषयों को मांगू जो विषय आज है कल नष्ट हो जाएंगे, इसलिए विनाशील विषयों को मैं नहीं मांगता हूं और विषयों का सुख की जो तीव्रता है वो सुख की तीव्रता सब में एक सी है, चाहे राजा है उसके सुख की भी तीव्रता वही है और कोई कीड़ा मकोड़ा है उसके भी विषय भोगने में सुख की जो तीव्रता है वो उसी प्रकार की है, उसमें कोई अंतर नहीं। उसके बाहरी रूप में कहीं अंतर हो सकता है परंतु विषय भोग में कहीं अंतर नहीं है, विषय भोग के सुख या दुख में कोई अंतर नहीं है। इस बात को श्री भरत भागवत में बहुत अच्छी तरह से एक संकेतित किया गया कि वैकुंठ का जो द्वारपाल है उस द्वारपाल से कदाचित कोई इंटरव्यू लेते हुए कहे कि अच्छा ये बताओ इस वैकुंठ में सबसे बड़ी सेवा किसको मिली हुई, तो उसका उत्तर यह होगा कि सबसे बड़ी सेवा मुझे मिली हुई, मुझे जो सुख है ऐसा सुख किसी में है ही नहीं, जो राजपथ के ऊपर वैकुंठ में झाड़ू देने वाला है वो ये कहेगा इससे बढ़कर के कोई दूसरी सेवा हो नहीं सकती है। तो सुख की तीव्रता की दृष्टि से सुख के मूल्य की दृष्टि से देखा जाए तो सबका मूल्य बराबर है, जो लक्ष्मी जी का सुख है वही सुख द्वारपाल का है, परंतु तटस्थ दृष्टि से देखा जाएगा तो अंतर किया जाएगा कि भाई ये द्वार की सेवा है और ये श्री अंग की सेवा है, दोनों में कहीं अंतर है। और ये जो रसोई कर रहा है वो कहेगा वाह मुख की सेवा, मैं तो ठाकुर जी के लिए भोग तैयार कर रहा हूं श्री मुख की सेवा, तो एक श्री मुख की सेवा कर रहा है, एक अंग की सेवा कर रहा है, एक द्वार की सेवा कर रहा है, परंतु द्वार सेवा में और श्री अंग सेवा में कोई अंतर नहीं है। सुख की दृष्टि से सबको अपना सुख ही बड़ा लगता है, इसलिए कोई सा भी भाव हो सुख की दृष्टि से अंतर नहीं है, केवल बाहर दृष्टि से जब देखा जाएगा तो अंतर की प्राप्ति होगी। ये यहां पर श्री पृथ्वी महाराज कह रहे हैं कि सुख तो सब जगह मिल जाएगा, तो इसलिए हे प्रभु तानिश कैवल्य पते वृणे नचो, हे कैवल्य पते मैं संसार के सुखों को नहीं मांगता हूं। जब ये कहा संसार के सुखों को नहीं मांगता हूं और कैवल्य पते कहा तो भगवान मोक्ष देना चाहने लगे और पृथ्वी महाराज कैवल्य शब्द के द्वारा पृथ्वी तो कह रहे थे कि केवल भक्ति का भाव है कैवल्य, अर्थात मैं भक्ति भाव प्रेम को चाहता हूं, कैवल्य माने प्रेम, परंतु पृथ्वी महाराज को भगवान देने लगे उस समय कैवल्य सायुज्य मुक्ति इम्पर्सनल लिबरेशन वो प्रदान करने लगे, उस इम्पर्सनल लिबरेशन को प्राप्त करने के एकदम घबरा गए और दोनों हाथ ऊंचे करके बोले कि न काम ये ना तब पे हम पहुंचे, कि मारे कैवल्य का अर्थ ये नहीं था, कैवल्य का मेरा अर्थ है प्रेम, केवल भक्ति का भाव और आप प्रेम को दे नहीं रहे हैं, मुझे कैवल्य मोक्ष दे रहे हैं सायुज मुक्ति दे रहे हैं, ये सायुज मुक्ति मुझे नहीं चाहिए। यहां पर एक बात सिद्धांत बड़ा सुंदर संकेत किया गया कि कैवल्य मुक्ति उसको भी भक्तगण नहीं चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि वरदान ये दे रहे हो तो एक वरदान मांगता हूं कि 10,000 काम मिले विधस्व कर्णायुत एश में बरा 24 वर्षों उसके नीचे है कि मुझे 10,000 काम मिले। भगवान बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, योग मैं ऐसे कह दूंगा काम के ट्रक तेरे यहां पर खुल जाएंगे
खल जाएंगे। सुन ले बेटा, पेट में भी काम और पीठ में भी काम और सिर पे भी काम और कान में भी काम। नहीं महाराज, कुरूप करने के लिए बताइए, काम तो मेरे दो रहे, परंतु 10,000 योजन पर भी कृष्ण कथा हो रही हो उसको भी सुन लू। ये भक्ति का एक स्वभाव दिखाया कि उत्कंठास भक्त में सर्वदा सर्वदा बनी रहती है। अन्य ज्ञान मार्ग में आत्मारामता पूर्ण कामता यह गुण है, परंतु भक्ति में पूर्ण कामता यह दोष। भक्त में कभी भी पूर्ण कामता आती ही नहीं है। जो जितना भक्ति में डूबा हुआ है वो यही कहेगा कि मैं भक्ति से उतना ही हीन हूं, एक भी जरा भी भक्ति का अंश मात्र भी मुझ में नहीं है। ये एक अद्भुत बात दिखा। श्री पुरुष महाराज ने वरदान मांगा कि सेवा का फल सेवा ही है, अतः चरण पलोटने की जो सेवा है उसको श्री पुरुष महाराज ने मांगा कि जैसे लक्ष्मी मांगती है ऐसे ही पद्म करे गुणालय पद्म करे लालसा, लक्ष्मी के समान में आपके चरणों को पलटू। तो सेवा का फल सेवा ही होकर के एकमात्र विराजमान है। अब श्री कृष्ण महाराज के यज्ञ में श्री सनत कुमार आए और सनत कुमार जो है उनने जो उपदेश दिया है वो उपदेश विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है कि अस्तेव राजन, 22वें अध्याय का 20वां श्लोक के अस्तेव राजन भगवन मद दिशा, बोले राजा श्री गोविंद चरणारविंद में तेरी स्वाभाविक रूप में प्रीति लगी ही हुई है। कौन उपदेश दे रहा है? शंकर जो ज्ञानियों के गुरु हैं, अर्थात भक्ति कभी भी ज्ञान की विरोधी नहीं है और एक ज्ञानी को भी भक्ति को अपनाना पड़ेगा तभी उसका ज्ञान फलीभूत होगा। श्री गोविंद के चरण कमल के गुणानुवाद में तेरी स्वाभाविक रूप में ही रतिर दुरापा, तेरी प्रीति निरंतर निरंतर लगी हुई है। वो रति संसार के जितने भी ताप हैं उनको दूर करेगी। एक 39वें श्लोक में इसी अध्याय में 22वें अध्याय में बहुत बड़ी बात कह दी गई कि यत् पाद पंकज पराग विलास भक्तिया कर्माशय ग्रथितम्। हृदय में जो कर्माशय है, कर्माशय का तात्पर्य है मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, इसका फल मैं भोगूं। ये जो कर्माशय माने ईगो, सीएस का कर्माशय का फल होगा ईगो, अहम, मैं कर्म के फल को भोगूं। इस भाव को दूर करने में ज्ञान कभी भी समर्थ नहीं है। इस भाव को, इस अहम को दूर करने में, कारण शरीर को दूर करने में भक्ति ही एकमात्र कारण। स्थूल शरीर काल के प्रभाव से दूर होगा, तमोगुण बढ़ेगा तो सत्व और रज समाप्त, जब लीन हो जाएंगे तब मृत्यु हो जाएगी, या तीनों समकोटि में आ जाएंगे तो मृत्यु हो जाएगी। सत्व रज तम इनकी साम्यावस्था का नाम मृत्यु है। जब तक विषम रहेंगे तब तक तो व्यक्ति कार्य करता रहेगा, तमोगुण अधिक बढ़ जाएगा तो वो कोमा में पहुंच जाएगा, परंतु जैसे ही वे समान होंगे वैसे ही मृत्यु हो जाएगी। सत्व स्तर जो मन है उस मन को भी सुषुप्ति की स्थिति में, कोई सुषुप्ति की स्थिति को स्थिर बना ले तो अंतकरण का भी लय प्राप्त हो जाएगा, परंतु अभी भी मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष होगा जब अहंकार उसका नाश हो जाएगा। जहां पर बुद्धि की अहंकार सुषुप्त जो स्थिति है उसको प्राप्त करेगी बुद्धि, उसका नाम सुषुप्ति है। अहंकार रहित आत्म सुख का अनुभव ये सुषुप्ति है, और अहंकार का लय होने पर जो स्थिति है उसका नाम है मोक्ष। अहंकार से का लय होना, अहंकार का पार होगा तो वो है सुषुप्ति, और अहंकार का जहां लय हो जाएगा उसका नाम है मोक्ष। तो कर्माशय अहंकार
भगवान की भक्ति के द्वारा ही पूर्ण हो सकता है, इसके पहले अहंकार पूर्ण नहीं हो सकता है। तमरणम भजे वासुदेवम, ऐसे उन वासुदेव का तुम भजन करो। तद बंद रिक्तम अकया, जो लोग अपने मन को रोकने का प्रयत्न करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, विवेक के द्वारा मन को रोकने का प्रयत्न करते हैं, वे रिक्त मती हैं। एक तरह से भक्तजनों की गाली कि भक्ति को न त्याग को न आदर देते हुए केवल यदि योग के द्वारा चित्तवृत्ति का निरोध किया जाए। तो यहां पर श्री शंकर कह रहे हैं कि उन लोगों में बुद्धि है ही, ऐसा हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं। मन रुकेगा सर्वदा भक्ति के द्वारा। तो ये रिक्तमति कहना, बुद्धिहीन कहना, ये भक्तजनों की गाली है कि भक्ति का त्याग करके योग और विवेक के द्वारा केवल मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयत्न करना है, संसार की निवृत्ति, यह कभी संभव है ही नहीं। एक बहुत महत्वपूर्ण ये एक संकेत दिया। श्री प्रथम हृदय एकदम व्याकुल हो गए कि हाय मेरा, कब ये शरीर छूटे और कृष्ण सेवोपयोगी शरीर मिले। उसी समय भक्तों के पास में भी सिद्धि आ सकती है। श्री पृथ्वी महाराज के पास में इच्छा मृत्यु रूपी सिद्धि उपस्थित हो गई और इच्छा मृत्यु रूपी सिद्धि ने देह त्याग करने के व्याकुलता देखी तो उन्होंने कहा एक दूसरा उपाय भी है और वो उपाय है हठयोग का। तुम हठयोग के द्वारा समाधि में अपने प्राणों का त्याग कर दो। सामान्यतः भक्त लोग हठयोग को भक्ति में नहीं अपनाते हैं, ऋजुवेद भक्त मार्ग ही ऋजु योग मार्ग है, उनके द्वारा ही आराधना करते हैं। पर पृथ्वी महाराज ने विकलता इतनी हो गई कि हाय अब मैं नहीं रह सकता हूं कृष्ण के वियोग में, कृष्ण से अलग, इसलिए इच्छा मृत्यु आ गई और इच्छा मृत्यु ने पृथ्वी को योगी जन हठयोग में जैसे सत्य मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपने शरीर का त्याग करते हैं उस समाधि की प्रक्रिया को बता दिया। और समाधि की प्रक्रिया में पृथ्वी महाराज ने जान बूझ करके कुंडलनी जागृत करके ब्रह्मरंध्र के द्वारा दशम मार्ग के द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया। अब यहां पर एक बड़ा रहस्य भजन के लिए उपयोगी कि पृथ्वी के साथ में श्री अर्च महारानी को भी भगवत धाम की प्राप्ति हुई। इसे दिखाया कि केवल स्वयं भगवत भजन करने से ही लाभ नहीं होता है, बल्कि यदि किसी वैष्णव की सेवा की जाए तो वैष्णव की सेवा करने पर भी एक वैष्णव सेवक को, शिष्य को भी वही लाभ प्राप्त होता है जो कि श्री गुरु जी को प्राप्त हुआ। वैष्णव सेवा का फल कि अर्च महाराज ने यदि तप नहीं किया है, देह त्याग नहीं किया है, परंतु पति के साथ में वे भी भगवत धाम को पधारी, अतः श्री गुरुदेव की सेवा वह भी परम फलदायी होकर के ही विराजमान है। यदि कोई ये विचार करे कि अरे हम तो दिन भर गुरु जी की सेवा में लगे रहते हैं, अपनी तो चार माला भी नहीं हो पाती, गुरु जी की सेवा में लगे रहते हैं, तो ऐसा नहीं विचार करना चाहिए। कभी प्रिया शरण दास बाबू जी महाराज बड़े बाबा के पास में जब सेवा कर रहे थे, सिद्ध बाबा बड़े बाबा के पास में, तो उनके मन में एक बार विचार आया कि अरे हमारा तो कुछ भजन हो ही नहीं पाता है, दिन भर बाबा की सेवा में लगे रहते हैं कि बाबा स्नान करेंगे, बाबा यहाँ करेंगे, बाबा यहाँ जाएंगे, मालूम करने के लिए जाएंगे, उनके भजन की तैयारी कर दो, आसन की तैयारी कर दो, बस इसी सेवा में लगे रहते हैं, अपना भजन तो कुछ भी नहीं होता है। तो एक दिन बाबा की कुटिया सामने, वो जो ये जो वृंदावन संस्थान है, पहले दाऊ जी का बगीचा कहलाते थे, तो इसमें बाबा अपनी कुटिया में बैठे हुए, इतने में आवाज आई, बोले अभी तक क्या भार झोंक रहा था, अर्थात गुरु जी की जो सेवा है वो मेरी तो सेवा ही, ये अंदर से आवाज है। तो जान गए कि नहीं, गुरु जी की सेवा और भगवत सेवा दोनों एक होकर के विराजमान, और गुरु सेवा के द्वारा भी वही फल श्री अर्च महारानी को प्राप्त हुआ, एक वैष्णव की सेवा करते हुए जो स्वयं भजन करने पर फल की प्राप्ति होती है। ये संत सेवा की अपूर्व महिमा यहां लिखा है।
श्री कृष्ण महाराज के वंश में आगे 24वें अध्याय में रुद्र गीत का निरूपण किया गया है। प्रचेताओं के ऊपर रुद्र भगवान ने विशेष रूप से कृपा की और उन्होंने मंत्रोपदेश और ये उपदेश प्रदान किया। इसमें 57वां जो श्लोक है 24वें अध्याय का, उसको वैष्णव आचार्यों ने कई बार कोट किया है। 57 24वां अध्याय, कक्षाधे मातुले न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम के मुदाशिषा, के आधे क्षण का जो सत्संग है उसकी तुलना मैं मोक्ष से नहीं करता हूं, मैं स्वर्ग से नहीं करता हूं। इसमें एक संकेत दिया गया कि सत्संग है भक्ति का दूसरा सोपान, आदो श्रद्धा तथा साधु संग दूसरा सोपान है, पर भक्ति के मार्ग में जो दूसरा सोपान है उसकी महिमा इतनी ज्यादा है कि कर्म मार्ग का परम फल क्या है स्वर्ग और ज्ञान का परम फल क्या है मोक्ष। यदि भक्ति के दूसरे सोपान की तुलना ज्ञान और कर्म मार्ग के अंतिम सोपान से की जाए तब भी श्री शिव भगवान कह रहे हैं, रुद्र भगवान कह रहे हैं, नकार का प्रयोग करते हुए, नेगेटिव का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं कि क्षणार्धेन अपि न तुले, मैं सत्संग की तुलना मोक्ष से भी नहीं करता हूं, वहां पर भी नकार दे रहे। बोल भक्त महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ये सत्संग की इतनी महिमा कि जो ज्ञान मार्ग का परम फल है उसे भक्ति की दूसरे सोपान के साथ में भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। श्री प्रचेताओं ने तो भगवान को प्राप्त किया। अब यहां पर 25वें अध्याय से लेकर के 5 अध्यायों में ज्ञान पंचाध्यायी का निरूपण किया गया है और इस ज्ञान पंचाध्यायी में पुरंजन पुरंजनी की कथा के माध्यम से ये दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि जीव को कैसे बंधन की प्राप्ति होती है। माया इतनी बलवान है कि वह जीव को आकर्षित कर लेती है। पुरंजन है जीव, अभिज्ञात सखा है अंतर्यामी गुरु, पुरंजनी है बुद्धि, नौ द्वार की पुरी है मनुष्य देह। माया इतनी बलवती है कि वह जीव को विमोहित करके मैं देह हूं या अध्यास, मैं नौ द्वार की पुरी का राजा हूं या अध्यास प्राप्त करा देती है, नौ द्वार की पुरी ही मैं हूं या भाव भी कहीं जहां ममता है वो ममता ही अहंता में परिणत हो जाती है। ममता अहंता दो अलग अलग वस्तु नहीं है। धन धनी का धन नष्ट हो जाए वो कहता है मैं मर गया, पत्नी का पति मन नष्ट हो जाए वो कहती है हाय मैं मर गई, पिता का पुत्र नष्ट हो जाए कहता है हाय मैं मर गया। तो जहां ममता है वो ममता ही अहंता में परिणत हो जाती है। तो पुरंजन को पहले मन ध्यास की प्राप्ति हुई अर्थात वह पहले पुरंजनी की ओर आकर्षित हुआ, इसका नाम है मन ध्यास, और फिर उसे देहाध्यास की प्राप्ति हुई कि मैं नौ द्वार की पुरी हूं। अब इसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों स्थितियों को बताया। स्वप्न की जागरण अवस्था में और स्वप्न की स्वप्न अवस्था, स्वप्न की सुषुप्ति अवस्था, ज्ञान की जो अवस्था है वो तो है जागरण, बाबा की कहे ये जगत है या है स्वप्न अवस्था। इस स्वप्न में भी कभी बार कई कई बार स्वप्न में भी हम स्वप्न देखते हैं, सो रहे हैं और सोते सोते सपना देख रहे हैं, स्वप्न में भी स्वप्न देखा जा सकता है। तो उसी स्वप्न के स्वप्न की स्थिति का वर्णन किया कि पुरंजनी लूट गई। अब जहां अहंकार से शून्य सारे विषय हों पर तो अहंकार शून्य होकर के विषयों की जो स्थिति है उसी का नाम सुषुप्ति है। पुरंजन स्वप्न और सुषुप्ति में आया, फिर
पुरंजन को उसने मनाया। पुरंजन के पुर के ऊपर चार लोगों ने एकदम आक्रमण कर दिया। चंड में जो काल हैं, काल कन्या जो बुढ़ापा है, यमनेश्वर जो कि मृत्यु है, और प्रज्वा जो कि दो प्रकार के ज्वर हैं, आधि और व्याधि, इनमें कफ पित्त बात इनके विषमता के कारण जो रोग उत्पन्न हुआ है उसको हम कहेंगे उष्ण ज्वर। उस उष्ण ज्वर की तो औषधि के द्वारा चिकित्सा की जा सकती है, परंतु सूक्ष्म ज्वर उसका नाम है जहां काल के प्रभाव से तमोगुण की वृद्धि और काल के प्रभाव से सत्व रजस्तम ये साम्य अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, उसका नाम मृत्यु है। उसे रोकने की सामर्थ्य किसी की नहीं है, माने शीत ज्वर का समाधान नहीं है। औषधि शास्त्र में, आयुर्वेद में जो उष्ण ज्वर है उसका समाधान है। अंत में जो मति होती है वो ही गति होती है। पुरंजन को स्त्री देह की प्राप्ति हुई, परंतु ठाकुर बड़े कृपालु, कभी जीव अपनी बुद्धि का सदुपयोग करता है और वो गुरु की सेवा करता है तो उसे गुरु सेवा के द्वारा फिर भगवत भक्ति का मार्ग मिल जाता है। तो भ्रमण करते करते उस विदर्भ देश की राजकन्या का विवाह मलय ध्वज राजा के द्वारा हो गया। मलय का तात्पर्य है दक्षिण देश का पर्वत, उसमें भी ध्वज माने जो कोई मुकुटमणि, अर्थात कोई वैष्णव। वैष्णवों के विषय में कहा गया कि उत्पन्न दक्षिणे चाहम, भक्ति दक्षिण में ही उत्पन्न हुई। तो मलय ध्वज यह शब्द इस बात को प्रतिपादित करता है कि जो चतुष संप्रदाय हैं उन संप्रदाय के अंदर वह भक्त होकर के विराजमान हुआ, वैष्णव आश्रय को ग्रहण करके यदि विराजमान हुआ। इसमें पांच प्रकार के गुरुओं का वर्णन किया गया कि गुरुदेव की कृपा के द्वारा इस जीव के बंधन की निवृत्ति होती है। पहले गुरु हैं अंतर्यामी, वो ही है अभिज्ञात सखा, परंतु अभिज्ञात सखा कभी भी सामने नहीं आएंगे। यदि भक्ति की गई है तो भगवान का आविर्भाव होगा, भक्ति नहीं है तो भगवान अंतर्यामी होकर के तो सबके हृदय में विराजमान। वे शिक्षा भी देंगे परंतु कोई उनकी शिक्षा को कभी मानेगा कभी नहीं मानेगा। तो पहले गुरु गुरु हुए वो हुए अंतर्यामी, परंतु वो अंतर्यामी गुरु प्रधान नहीं है। गुरु का दूसरा स्वरूप है आचार्य स्वरूप, आचार्य चैत्य बपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। जो चैत्य स्वरूप है वो प्रधान नहीं है, आचार्य स्वरूप ही प्रधान है। आचार्य स्वरूप चार प्रकार का होता है। सबसे पहले है दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, सबसे पहले श्रवण गुरु, श्रवण गुरु, फिर शिक्षा गुरु, फिर दीक्षा गुरु, और चौथा सदगुरु। श्रवण गुरु कौन? बोले जो कृष्ण कथा श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों को श्रवण कराए, भक्ति की महिमा का श्रवण कराए, वे हो गए श्रवण गुरु। उन श्रवण गुरु की कृपा के माध्यम से कोई कोई शिक्षा गुरु मिलेगा, उस शिक्षा गुरु के पास में बैठ करके वे सरल बताएंगे, हाँ ये तेरा कार्य ठीक है, इस कार्य को ऐसा और कर ले तो ये ही प्राकृत जो कार्य है वो भक्ति बन जाएगा, कर्म कर्म योग बन जाएगा। इस प्रकार की शिक्षा देने वाले भी होंगे, वे होंगे शिक्षा में। दूसरे जो भजन की शिक्षा और हमारे व्यावहारिक कार्यों को हम कैसे मोल्ड करें, उनकी धारा को भगवान की ओर कैसे लगाएं, इसकी शिक्षा देने वाले होंगे, वे होंगे शिक्षा में। तीसरे गुरु हैं दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु वो जो कि जीव को भगवान के साथ में जो संबंध है उसको स्थापित करें। जैसे पुरोहित वह विवाह द्वारा संबंध को स्थापित कर देता है, मैरिज आर सेलिब्रेटेड डिसाइडेड इन हेवन, एक पुरानी कहावत है कि शादी रचाई जाती है, स्थापित तो वह स्वर्ग में होती है, ईश्वर के द्वारा पहले से निर्धारित होती है। ऐसे ही जीव तो नित्य ही कृष्ण दास है, परंतु गुरुदेव की कृपा के द्वारा उस दासता की स्थापना कराई जाती है। जैसे एक पुरोहित
विवाह द्वारा संबंध स्थापित कराता है। यद्यपि संबंध तो जुड़े ही होंगे, जन्म जन्मांतर के कहीं संपर्क रहे होंगे, प्रारब्ध के कारण जुड़ना है तो मूल कारण तो प्रारब्ध है, परंतु जैसे पुरोहित उस प्रारब्ध के अनुसार दो वधु वर को आपस में मिलाता है, ऐसे ही श्री दीक्षा गुरु भगवान किसी जीव को अपनाना चाहते हैं तो दीक्षा गुरु के रूप में प्रकट होकर के उस जीव को कहीं अपना लेते हैं। ये तीसरा गुरु हुआ दीक्षा गुरु। और चौथा गुरु वो कि भगवान के साथ में संबंध मिल गया, पर मिलने पर भी अभी शिक्षा आनी रही है, कहीं पाइप में मिट्टी भरी हुई है, डट्टा लगा हुआ है, और यदि जरा सा थक्का मारा जाए, हथौड़ी लेकर के ठोक दिया जाए तो ढीली हो जाएगी मिट्टी और बह जाएगी और खलखल करके जैसे पानी आ जाएगा, ऐसे भी श्री गुरु माथे के ऊपर हाथ रखें और हाथ रखने के साथ ही साथ श्वेत कंप रोमांच ये सात्विक भाव भी प्रकट हो जाए और इनके साथ साथ भक्ति का जो प्रवाह है वो चल जाए, वो हुए सद्गुरु। तो यहाँ पर वो ही चार गुरु की निरूपण किया। पहले इनको मल्य ध्वज राजा के साथ में विवाह हुआ, मल्य ध्वज राजा हो गए शिक्षा गुरु। जब शिक्षा गुरु का वियोग प्राप्त हुआ उस समय ही तत्व पूर्व तक कष्ट सखा ब्राह्मण आत्मवान जो सखा हैं वे आए, अर्थात श्री दीक्षा गुरु की प्राप्ति हुई और दीक्षा गुरु ने जैसे ही उपदेश प्रदान किया और माथे पर हाथ रखा, स्वरूप बोध कराया कि हम तुम दोनों मानसरोवर के राजहंस हैं, तुम कीच में गिर गए थे, एक हंस कीच में गिर गया इसलिए वो अपने आप को कौवा समझता है, यदि तुम स्नान करोगे तो यह कीच धुल जाएगी, भक्ति के समुद्र में जैसे ही स्नान कराया भक्ति के प्रभाव से चेतो दर्पण मार्जनम हुआ, चित्त का मैल दूर हुआ और फिर परम विजय थे, उस भक्ति ने ही उसको परम स्वरूप की जैसे ही प्राप्ति कराई वैसे ही दोनों हंस उड़ करके चले गए। जो दास हंस था वह राज हंस की सेवा करते 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 हुए विराजमान हुआ, यही उसका वास्तविक स्वरूप था कि जीव का नित्य स्वरूप है श्री प्रभु की सेवा। वे दोनों हंस उड़ करके मानसरोवर में श्री वैकुंठ धाम में सेवा करते हुए विराजमान हुए। इस प्रकार जीव को जैसे बंधन की प्राप्ति होती है और जैसे श्री ठाकुर की कृपा से कभी उसे शिक्षा गुरु मिलते हैं, शिक्षा गुरु के माध्यम से जैसे वह भजन करता है, वह गुरुदेव की सेवा करता है और गुरुदेव की सेवा करते हुए भजन करते हुए गुरु सत्य पूर्वक भगवत भजन करता है तो उसे भी अज्ञान की पूरी निवृत्ति होकर के जो अविज्ञात सखा थे वे ही दीक्षा गुरु और सद्गुरु के रूप में प्रकट होकर के उस जीव के ऊपर अनुग्रह करते हैं और उस अनुग्रह के द्वारा तो शिक्षा गुरु के द्वारा शुद्धा और सारसंग की महिमा प्राप्त हुई, भजन क्रिया की प्राप्ति हुई और फिर उसके हृदय में जब दीक्षा गुरु की कृपा के द्वारा भक्ति का अंकुर उत्पन्न हुआ, अनर्थ निवृत्ति होकर के निष्ठा और भक्ति के अंकुर उत्पन्न हुए, भक्ति के अंकुर उत्पन्न होकर के भक्ति ही जो कृष्ण नाम रूपी जो भक्ति है उसको जब दीक्षा गुरु के द्वारा उसके हृदय में बोया गया तो वह पेड़ ही बढ़कर के उस भक्त का कल्याण करने वाला हुआ। भक्ति लता बीज है श्री हरिनाम, हरिनाम के रूप में ही बीज बपन भक्ति के हृदय में किया जाता है। तो भ्रमित भ्रमित कोई भाग्यवान जन गुरु का पापा है, जीव गुरु का पापा है, भक्ति लता बीज, भक्ति लता का जो बीज है श्री गुरुदेव के माध्यम से भगवान नाम यही बीज है और वो नाम ही कहीं परिवर्तित होकर के विकसित होकर के वह प्रेम लता के रूप में परिणत होता है। ये देखा अब श्री प्राचीन वर्य राजा
ये श्री नारद जी के द्वारा उस बहिष्क ये उस कर्म कांड के बंधन से मुक्त हुए। पितर तीन प्रकार के होते हैं, एक है बहिष्क, एक है अग्निश्वात और तीसरे हैं सोमा। बहिष्क वो जो माता पिता हमारे माथे के ऊपर विराजमान हैं, जीवित हैं और स्वयं यज्ञ कर रहे हैं, वही माने आसन के ऊपर बैठ करके जो यज्ञ आहुति देते हुए विराजमान हैं और हम भी उनकी सहायता कर रहे हैं, पुत्र भी पिता की सहायता कर रहा है, वो हो गए वर्षक। अग्निश्वात वे जिन माता पिता को अग्नि देवता को समर्पित कर दिया गया और जो अब अपने कर्म के अनुसार फल भोग रहे हैं, जो भी जहां भी होंगे स्वर्ग इत्यादि में, स्वर्ग में नरक में जहां भी हो जिस योनि में हो, वे अग्निश्वात दूसरे पितर हुए। और तीसरे पितर हैं सोमक, जो कि पुण्य प्रताप से कहीं भूलोक से उठ करके भूलोक में पहुंच करके पितृलोक में पहुंच करके वहां पर सुख को प्राप्त करते हुए विराजमान हैं, वे हैं सोमक। तो ये वरिष्ठ की बात की गई जो जीवित हैं और यज्ञ करके पुण्य अर्जन कर रहे हैं, पर उन्होंने भी सारा अपना यज्ञ का प्रयोजन त्याग किया और भगवत भक्ति करते हुए वे विराजमान हुए और भक्ति प्राप्त करके फिर ये बहिष्क अग्निश्वात सोमक इन सब बंधनों से मुक्त होकर के फिर पार्षद स्वरूप धारण करके विराजमान हुए। प्राचीन वर्ष उसी पार्षद स्वरूप को धारण करके विराजमान हुए और तब जाकर के उनको परम सुख की प्राप्ति हुई। केवल स्वर्ग में जाकर के सुख भोग लेना यह परम सुख नहीं है। श्री विशेष रूप से जो उपदेश प्रदान किया ये 28वें अध्याय में 62वां जो श्लोक है, ये अचिंत्य भेदा भेद बाद को स्पष्ट करने वाला एक दिव्य श्लोक है कि अहम भवान चान्यस्त्वं त्वमेव अहम विचक्षुः नदो पश्यन्ति कवयः छिद्रं जात मनागति। 28वां अध्याय और 62वां श्लोक जब वो उपदेश दे रहे हैं, निकल गया था वो प्रसंग पीछे, तो उसमें अहम भवान चान्यस्त्वं शक्ति शक्तिमान ये दोनों अभिन्न भी हैं और शक्ति शक्तिमान दोनों भेद को प्राप्त करके भी विराजमान है। आश्रय रूप होने के कारण तो अभिन्न है, परंतु अपने अपने विशिष्ट गुणों के कारण वे भेद को प्राप्त होकर के विराजमान है। तत्त्वतः भेद और अभेद दोनों एक जगह नहीं रह सकते हैं, जहां भेद होगा वहां अभेद नहीं हो सकता है।